सुप्रभात माननीय ईरानी मैम, दिलशाद मैम, प्रधानाचार्य जी, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं मेरे सहपाठियों, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया। हिंदी भाषा के बारे में मैं आज आप सभी को बताना चाहूंगी। जब भी बात देश की उठती है तो हम सब एक ही बात दोहराते हैं, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यह पंक्ति हम हिंदुस्तानियों के लिए अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। हिंदी अपने देश हिंदुस्तान की पहचान है। यह देश की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की राजभाषा घोषित किया था। हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए तत्कालीन भारतीय सरकार ने 14 सितंबर 1949 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया था। तब से लेकर आज तक हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। कभी कभी सप्ताह भर तक हिंदी सप्ताह का भी आयोजन होता है, ताकि अन्य लोगों के साथ युवा पीढ़ी भी हिंदी भाषा से जुड़ी रहे। इस प्रकार हम हिंदी के उत्थान में अपना योगदान देते रहे हैं और सदा देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।